डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। तो भीषण गर्मी है, एक तो मौसम की तपन है और फिर दूसरी चुनाव की तपन है। और मैं सामान्यतः अपने चुनाव में भी कम बात करने का आदी हूं और राजनीति को जोड़ते जोड़ तोड़ से दूर रखने का आदी। पहली बार मेरे सामने इस जिले में चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं महाराज की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि महाराज एक बार 1951 में चुनाव हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नन्ना थे, तब एक बार ऐसी कोशिश हुई थी। मुझे लगता है कि ये चर्चा चुनाव की सिर्फ वोट की चर्चा नहीं है, ये हमारे राजनीतिक विवेक, हमारी अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और आने वाले इस परिणाम के बाद के भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, 7 वर्ष से मैं आपका सांसद हूं, अगर मैं कोई अपनी सफलता गिनाऊंगा तो मैं बांध की सफलता नहीं गिनाऊंगा, मैं पैसे नहीं गिनाऊंगा कि कितने हजार करोड़ मैंने आपके लाकर दिए। अगर मैं गिनाऊंगा तो मैं अपनी अगर सफलता मानता हूं तो मेरी सफलता यह है कि जो छोटे चुनाव में जाति कट्टरता पैदा की जाती थी उसको रोकने में अगर कोई सफल हुआ है तो उसका नाम प्रहलाद पटेल है। मैं अगर अपनी सफलता बताऊंगा तो कहूंगा इस जिले में फर्जी मुकदमे लगते थे, मेरे आने के बाद मंच पर बैठा व्यक्ति हो या सामने बैठा हुआ व्यक्ति हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि फर्जी मुकदमे की परंपरा इस जिले से समाप्त हो गई है। मेरी सफलता अगर कोई मैं कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आज जातिगत लोगों को लाइसेंस नहीं मिलते थे बंदूकों के, वो तमाम मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, उनके नेता मंच पर बैठे, मेरे सांसद बनने के बाद उनको भी बंदूक का लाइसेंस का हक वापस करना होगा, ये सच्चाई है। आज आपके मन में ये दुविधाएं पैदा की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये कोई चुनाव जीत जाएगा तो दूसरे का भविष्य खत्म हो जाएगा, तो किसी का भविष्य किसी के जीतने हारने से खत्म नहीं होता। अगर भविष्य खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी के परिणाम से होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का परिणाम विपरीत जाएगा तो क्षेत्र का भी होगा और कुछ व्यक्तियों का भी भविष्य खत्म होगा। ये बात आप बात कर सकते, ये बात कहने में कड़वी लगेगी, सुनने में भी कड़वी लगेगी, लेकिन हमको तय करना पड़ेगा। विकास की चर्चा नहीं, विचार की चर्चा नहीं, छल और कपट की चर्चा होगी, प्रपंच की चर्चा होगी। मुझे लगता है अगर हिम्मत है तो सामने बात करनी चाहिए, लेकिन पीठ पर वार करना बहादुरी नहीं है, अगर है तो दो दो हाथ होना चाहिए। मेरे जैसा आदमी जो खुलेआम अपने चुनाव में कहता है कि मैं पीने वाले का, पिलाने वाले का, बेचने वाले का, बनाने वाले का सबका विरोधी, मैं स्वयं का दुश्मन हूं, मुझ देश से दुश्मनी रखने का कोई कारण नहीं। जो लोग ये बात कहते हैं, उस 91 के चुनाव की मैं चर्चा कर रहा था, उस समय पर्चे बटे थे ये कुर्मी बदके का यज्ञ है, अपनी आहुति दीजिए, क्या ये सच्चाई नहीं है? आज पर्चे नहीं बटे हैं लेकिन बातें तो बट रही हैं, ये बात तो सच है। कितने दिन आपने राज किया, कितने दिन तक आप जनप्रतिनिधि हैं? हमारे बात उंगलियों पर गिनने वाले देता है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय सिंधिया जी आज हमारे नेता है और समय है हमारे पास, जब देश की राजनीति प्रतिष्ठेगी दिशा को देखेगी तो समय का इंतजार करेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, कृष्ण पैदा हुए थे तो उनके मारने के भरसक प्रश्न हुए थे, तो किस रूप में आया था छल, भ्रम किस रूप में आया था, पूतना के रूप में आया। बहुत सारी पूतनाएं इस चुनाव में काम कर रही हैं, वो बनकर मां बनकर आई हैं, लेकिन मारने के लिए आई हैं, वो मां नहीं हो सकती हैं, वो मारने के लिए आई। ये जातियों का जहर, इसे रोकना होगा। इस जिले की राजनीति में अगर कभी विध्वंस हुआ है और नेतृत्व अगर पैदा नहीं होने दिया, किसी विद्वेष का परिणाम है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। मेरा कोई बेटा, मेरा कोई परिवार का आदमी यहां चुनाव लड़ने वाला नहीं है,
राजनीति की बिसाते बिछाने वाले लोगों का समय खत्म हो गया। मैं हनुमान जी को साक्षी मानकर कह रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना, ये संभव नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव कसौटी पर कसा जाना चाहिए। विकास की कसौटी पर कैसे, हमने कोई गलती की है तो जरूर सजा दीजिए, लेकिन प्रहलाद पटेल को उसकी सजा राहुल सिंह को नहीं मिलनी चाहिए। अगर वास्तव में विकास का लाभ किसी को मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। ये चुनाव राहुल सिंह नहीं लड़ रहे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जब आपने 2018 में जयंत मलैया को चुनाव हराया था तो फिर क्यों हराया था, जरा इसका भी जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार था? और मुझे लगता है कि ये चीजें हमें सोचनी होगी। उसके बाद में 1.5 साल के बाद जब आप परेशान हुए और उसके बाद में एक अवसर जनता ने तो हरा दिया था। अगर महाराज ज्योतिराज सिंधिया फैसला ना करते तो आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती और आपकी वही हालत होती जो 1.5 साल आपने अपने आप को भुगता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? कौन गुमराह कर रहा है, कौन कह रहा है आपसे, किस बात की बातों पर आप चर्चा करेंगे? अगर किसी की मेहरबानी है तो वो महापुरुष, वो व्यक्तित्व आपके बीच में बैठा है और आपके वोट मांगने के लिए। राहुल सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो 5 साल का विधायक था, ये बात स्वराज जी बोलते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व ने फैसला किया, मुझसे पूछा गया तो राहुल सिंह आना चाहते हैं, मैंने कहा मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, कोई पार्टी माता उसका स्वागत है, हमारे विचार से कोई जुड़ता है जिसमें तकलीफ क्या है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो 5 साल विधायक रहते कि नहीं रहते, आप हटा सकते थे क्या सरकार बनाने के बाद भी? नहीं हटा सकते। मुझे लगता है कि अगर विकास को रोकने का काम करना है तो मुझे लगता है इस भ्रमजाल में पड़ना चाहिए। मित्रों, में धार्मिक और आध्यात्मिक आदमी हूं, ठीक कहने का आदि हूं, कोई साधक अपनी साधना कभी किसी को नहीं देता, लेकिन ये मतदाता है, एक पार्टी का कार्यकर्ता है जो अपनी तपस्या वोट के रूप में और सहयोग के रूप में पार्टी को समर्पित कर देता है, ये सच्चाई है। कोई साधक कभी अपनी तपस्या नहीं देता, लेकिन एक मतदाता, एक कार्यकर्ता अपना वोट और अपना समर्थन और अपनी तपस्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर लोगों का भाग्य बना देता है, ये सच्चाई है। आज मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, वो उसी कार्यकर्ता की दम पर बने, उसी मतदाता की सामर्थ्य से बने। इसलिए अब कहते हैं कि बड़ा आदमी कौन, तो बड़ा आदमी है वो मतदाता। हम उससे बड़े काम को मानते हैं अंजाम देने वाले को, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए समर्पित होती है। वो कहती है कि मंत्री बाद में, सांसद बाद में, विधायक बाद में, कार्यकर्ता हम पहले हैं। मित्रों, में बंगाल के चुनाव का भी प्रभारी हूं, मैं लगातार पिछले 4 महीने से बंगाल जा रहा हूं। बंगाल में हमारे कुल 3 ही एमएलए, 150 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। अभी उत्तर बंगाल में जो हत्या हुई है, जिस पर जो पूरी टीवी पर चल रहा है, उन 4 लोगों की चर्चा हो रही है जो अल्पसंख्यक मारे गए, लेकिन उन 4 लोगों के पहले हमारे कार्यकर्ता मारा आनंदमय बर्मन, उसकी चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है उसके बाद भी मैं उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं कि बाजू में गोली चल रही है लेकिन वो बूथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं कि वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मित्र, वो भी तो कार्यकर्ता है, कोई आस नहीं दिखती, कोई आस नहीं दिखती थी तब भी वो भारतीय का झंडा लेकर आगे चलते थे। और किसी की मां को इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, कार्यकर्ता इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, ये हालत थी। लेकिन जब जनमत पलटता है और कहीं ना कहीं विचार के साथ लोग खड़े होते हैं तो विजय भी मिलती है, विश्वास भी मिलता है और विकास भी मिलता है। मैं आपसे वही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि एक बात इस मलाल को दूर करिए। कहीं ना कहीं बांट कर एक एक कर को मारने की तैयारी है, बामुश्किल समझे थे, क्यों नुकसान अपने हाथ से अपना अपनी गर्दन काटने का कर रहे हो, ये गलती मत करो। ये बात मैं कह रहा हूं, लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने लोगों की राजनीति खत्म कर दी। मैं कहता हूं, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने जीवन में षड्यंत्र की राजनीति नहीं की, बहादुरी के साथ, साहस के साथ, शिष्टता की राजनीति की। और इससे मुझे लगता है कि मैं आपसे विनती करता हूं
ऐसी गलती मत करिए। हमारे तमाम नेता गंदाज एक होकर रहे। मैं बड्डा से पूछ रहा था, क्यों बड्डा के लड़के पर 300 तो लगा था, तब क्या हुआ? उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था। अगर मैं व्यापारी होता तो बड्डा के का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जीता हूं और अपने कार्यकर्ता के साथ मरता हूं। और मैंने कहा था कि मैं बड्डा के साथ रहूं। चुनाव के परिणाम इस आधार पर बदलने नहीं चाहिए, लेकिन कौन जिम्मेदार है इस प्रकरण में फंसाने का? कभी इसका विचार किया? आज वो ही पूतना बनकर हमारा सर्वनाश करने वाले हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि साहब यहां फला जातिवाद चल रहा है, जिला तक पीतन जी यहां बैठे हुए हैं। हमने तो कहा था गोपाल पटेल बनने चाहिए, क्यों नहीं बने? जरा उनसे पूछिए, जो कान में ये बात कहते हैं कि लोधीवाद चल रहा है, जरा उनसे पूछिए कौन जिम्मेदार है गोपाल पटेल को अध्यक्ष नहीं बनने देने वाला। ऐसे मैं 10 तक न गिना सकता हूं। और इसलिए मैं इस अवसर पर यह कहूंगा, ये मतदाताओं की सभा महाराज नहीं है, ये वास्तव में की वोटर से जो बैठे हुए ये सच्चाई है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये परिवर्तन ये आज तय कर लेंगे। तो बूथ की ताकत नहीं है कि हार जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं जीता हूं, लगातार मुझे आशीर्वाद दिया गया है। लेकिन ये भ्रम, ये काली रात छटनी चाहिए। मैं अटल जी की इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और अंधेरा छाटने का काम एक बार आपने छाटकर भाजपा की सरकार बनाई है, आज आपका भाषण इस अंधेरे को छाटेगा। और एक एक बूथ पर जहां से ये जनता जनार्दन आई है वहां पर कमल खिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे क्षमा मत करना, लेकिन मैं विनती करता हूं आज नहीं कल आपको मेरी बात सच लगेगी। आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा जो पिछड़ापन है, ये पिछड़ापन सिर्फ पैसों का पिछड़ापन नहीं है। हम पैसे से तो समृद्ध हो गए हैं, लेकिन हम दूर तक देखने की भी कोशिश करें, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की भी चिंता करें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव का जो रंग ढंग है, चुनाव का परिणाम तो 2 मई को आएगा, उस चुनाव के परिणाम को हम लोकतंत्र के उस वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, यहां का स्थानीय सांसद होने के नाते, आपके बीच में काम करने के नाते, साथ को यह सुचता से काम करने के नाते, इस परिवर्तन में बहुत बड़े गहरे अर्थ है, इस परिवर्तन को सफल बनाइए। एक बार राहुल सिंह को आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, ये 3 दिन बहुत हैं। हम जानते हैं कि आपकी सामर्थ्य के लिए 12 घंटे बहुत हैं, अभी तो 3 दिन है। इस मलाल को दूर करिए और इन पूतनाओं को जरा समाप्त करके अपना रास्ता तय करिए। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।